हेलो गाइस, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोलॉजी फॉर एवर। सबसे पहले आप सब्सक्राइब को दबाएं। और आज हम एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में देखेंगे जो कि सोनी लिक्स ने बनाया है। आज हम इस स्पीकर की करेंगे अनबॉक्सिंग। चलो सबसे पहले इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पर एक नज़र मार लेते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बॉक्स, इसके सबसे ऊपर लिखा है फील द पावर ऑफ एक्स्ट्रा बार्स। सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन में दिया गया है, इसमें FM रेडियो, USB होस्ट, TF कार्ड जिसको हम सिंपली कह देते हैं SD कार्ड, वो भी इसमें सपोर्ट है। और इसमें आप देख रहे हैं एक है सेल्फी ऑप्शन, और आप इसको कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें दिया गया है ऑप्शन आपको कॉलिंग के लिए, आप देख रहे हैं इस पर यहाँ पर लिखा है फॉर फोन्स। एंड नेक्स्ट है माइक्रो लाइन इन चार्जिंग, चार्जिंग भी इसमें होता है। इसमें एक बैटरी दी गई है जो कि आप चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ही में दिया है चार्जेबल बैटरी, आप देख रहे हैं। और एक आपको आगे दिया गया है हाईफाई साउंड, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप देख रहे हैं इस बॉक्स को, यहाँ पर लिखा गया है सोनी लिक्स द नेम ऑफ क्वालिटी। इसका मॉडल नंबर है SLBS144FM। आओ इसका सेकेंड साइड देखते हैं बॉक्स का, उस पे दिया गया है ऑपरेशन मैनुअल जिसमें लिखा गया है पहले पे विद ब्लूटूथ फंक्शन। इसमें ब्लूटूथ दिया गया है, आप ब्लूटूथ से किसी भी गाने को प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और सेकंड में दिया गया है कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम USB डिस्क। और थर्ड में दिया गया है कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम TF कार्ड। अगर आप कोई SD कार्ड में अपने गाने रखना चाहते हैं तो भी आप सीधा इसमें डालकर सुन सकते हैं। और चौथे इस पर दिया है कैन डायरेक्टली प्ले म्यूजिक फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ऑडियो डिवाइसेस थ्रू लाइन इन केबल। फिफ्थ में दिया है विद रिचार्जेबल बैटरी, इसमें बैटरी दी गई है जिसका बैकअप बहुत ही अच्छा है। एंड लास्ट सेकेंड है विद FM रेडियो, इसमें अच्छा रेडियो चल रहा है, मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें फ्रिक्वेंसी भी आपको दिखाई गई है 87.52 108 MHz। आप जिस भी फ्रिक्वेंसी पर सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसमें आपको बैटरी स्टैंड बाय के ऑप्शन भी इन्होंने दिखाई है, आप 5 घंटे के करीब इसको सुन सकते हैं, चला सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में दिया गया है 2-in-1 USB पावर सप्लाई केबल एंड लाइन इन 3.5 स्टीरियो ऑडियो केबल, इसके अंदर ही ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। बॉक्स बहुत अच्छा बना हुआ है, आओ आज इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख रहे हैं बॉक्स बहुत ही अच्छे से पैक किया गया है। इसके कंटेंट्स पे एक पहली नज़र मार लेते हैं, बॉक्स को रखते हैं साइड पे। इसमें एक छोटी सा बॉक्स दिया गया है, इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। आप देख सकते हैं इसमें एक दिया गया है USB केबल जो कि ठीक क्वालिटी का है, इसको रखते हैं साइड पे। सेकेंड इसमें दी गई है एक ऑक्स केबल जिसकी लंबाई ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, ये भी ठीक है, और इस बॉक्स को भी रखने हैं साइड पे। आओ एक नज़र मारते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर पे। आप देख रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर को, यही सोनी लिक्स ने बनाया है। इसके ऊपर भी सोनी लिक्स लिखा है, आप देख सकते हैं। इसका मॉडल यहाँ पर भी लिखा हुआ है SLBS144FM। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिए गए हैं आपको वॉल्यूम अप डाउन वाले बटन्स। और यहाँ पर आप देखिए इसमें दिया गया है कॉलिंग का बटन, एंड आगे दिया है फास्ट फॉरवर्ड वाला। और इसकी बैक साइड देखते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं एक TF स्लॉट, ऊपर दिया गया है ऑक्स का स्लॉट। यहाँ पर ऑक्स पे जो आपने केबल इसमें दी गई है ये लगाकर आप इससे देख सकते हैं, गाने चला सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। ऑन ऑफ का ये यहाँ पर इन्होंने फैसिलिटी दी है, और साथ ही इसमें USB का पोर्ट, एंड यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्होंने एक बॉक्स में ये दी है, इसको कहते हैं ग्रिप रोप, ये भी आप यहाँ पर डालकर इसको अच्छा ग्रिप बना कर आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। देखने में ये स्पीकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है। फ्रंट ग्रिल इसकी बहुत अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 स्पीकर हैं, वेट भी ठीक है।
चलो इसका आगे आओ, इसे आगे चलाकर देखते हैं। आप देख रहे हैं ऑन करने के साथ ही इसमें ब्लू लाइट चल रहा है, और आप सुन आपने सुना ही होगा इसने क्या कहा, द डिवाइस इज रेडी टू पेयर। आप किसी भी अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन कर कर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गाना सुनना चाहते हैं तो अपना म्यूजिक प्लेयर खोलें और वहाँ पर कोई भी गाना चला लें, तो यहाँ से आवाज़ आती है। ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है, आप नीचे देख रहे हैं इसने उन्होंने ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छी रबड़ लगाई है, जिससे ये क्षति फिसलता नहीं। अब देख ही रहे हैं बहुत अच्छा है, इस एक्सेसरी भी मिल रही है। प्राइस की बात करें तो ये बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 250 का ही है मार्केट में, ये अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगली बार नई टेक्नोलॉजी न्यूज़ के साथ हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।